Hello everyone, welcome to Mahindra Group. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लासेस में. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 14 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. बट उससे पहले आप देखो, आप लोगों को यहां पर एमसीक्यू का थंबनेल दिख रहा होगा. आज तो हम डिस्कस करेंगे अपना करंट अफेयर का पार्ट ही मॉर्निंग में. बट इसके अलावा जब 12 बजे मुलाकात होगी तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फ्राइडे का दिन रखा है हमने कि 7 o'clock, जो 7 से 8 हमारी जितना भी करंट अफेयर का सेशन रहता है, अगर उसमें कोई न्यूज मिस हो जाती है तो उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ेंगे 12 बजे फ्राइडे को. तो आज 12 बजे हम सेशन है और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा. वो न्यूज जो कि यहां पर मिस हो गई होंगी उनका डिस्कशन हम 12 बजे के सेशन में करेंगे. तो जितनी भी न्यूज होंगी 20, 15, 25 जितनी भी न्यूज होंगी उनका वहां पर डिस्कशन रहेगा. तो मैं चाहूंगा जितने स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं और देखेंगे गाइस, प्लीज आज 12 बजे के सेशन में जरूर जुड़िएगा, जिसमें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट उन एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे जो कि इस सेशन में भी नहीं हुए होंगे. आई होप सो सभी लोग बिल्कुल जुड़ेंगे. गुड मॉर्निंग सभी लोगों को. अब चलिए बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कल के न्यूज जो बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. सेशन कैसा रहेगा एक बार फिर बता देता हूं. सेशन की बात करें तो कल की न्यूज पर बेस एमसीक्यू है, उनका स्टार्टिंग में डिस्कशन करेंगे रिवीजन के तौर पर. आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का डिस्कशन रहेगा. इसके अलावा एक स्टेट, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, उसका डिस्कशन करेंगे, स्टेट हो या यूटी हो. अपार्ट फ्रॉम गाइज, स्टैटिक क्वेश्चंस आज मैंने और भी ऐड करे हैं और नए हैं सारे के सारे, चाहे डेज के हो, इन सभी का डिस्कशन रहेगा. लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आज की न्यूज बेस्ड जितने भी एमसीक्यू होंगे उनका डिस्कशन होगा. तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले पड़ाव की तरफ. कल की न्यूज पर बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका डिस्कशन करते हैं. टेक्निकल टीम स्क्रीन को जूम रखेगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ तमिलनाडु टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए यहां पर एक समझौता किया है? किस बैंक के साथ भारत सरकार ने तमिलनाडु पर्यटन उद्योग के निर्माण के लिए $31 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अपना आंसर बनता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी के साथ यह समझौता रहा. एडीबी का हेडक्वार्टर याद रखिएगा मनीला फिलीपींस में है, एंड ताके हेको नकाओ इसके भैया प्रेसिडेंट है, यह बात याद रखनी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कला उत्सव की बात करें तो ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो इसमें से जरा फाइंड आउट करिए एचआरडी मिनिस्टर कौन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है. सर आंसर है अपने पीयूष प्रकाश जावड़ेकर. प्रकाश जावड़ेकर जी की बात करते हैं, इन्होंने नई दिल्ली में कला उत्सव फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स का उद्घाटन किया था. अगला सवाल सुनिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने नई दिल्ली में हाल ही में पार्टनर्स फोरम का इनॉग्रेशन किया था, जो साझेदार फोरम है उस मंच का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में. सवाल यहां पर यह है कि इसका जो एडिशन है वो कौन से नंबर का एडिशन रहा? तो सिंपल शब्दों में याद रखना है इट वॉज दी 4th edition, यह चौथा एडिशन था. अगला सवाल सुनिएगा, इंडिया और चाइना के बीच में अभी हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट हुई है चाइना के चेंगडू में. सवाल यहां पर यह है कि इसका एडिशन कौन सा है? ये एग्जाम में अक्सर बनता है, पूछा जाता है एक्सरसाइज का वेन्यू, एक्सरसाइज किसके साथ है और एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा रहा. तो हमें याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. 7वां चीन भारत संयुक्त अभ्यास हैंड इन हैंड चीन के चेंगडू में शुरू हुआ है. अगला सवाल सुनिएगा, किस पोर्टल को इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने लॉन्च किया है जिसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज करना है? जो व्यापार में आसानी होती है उसे बढ़ाने के लिए इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? 1P, 1N, 1X, 1Z या 1Y? तो सर सिंपल शब्दों में ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट आंसर बनेगा, PCS 1X पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया. अगला सवाल सुनिएगा, ऑल इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ साइंस सेंटर्स और म्यूजियम has been started at the Itanagar. विज्ञान सम्मेलन केंद्र और संग्रहालय के प्रमुखों का जो अखिल भारतीय सम्मेलन है ना, वो ईटानगर में शुरू हुआ. बट सवाल यहां पर ये है इसका एडिशन कौन सा रहा है? सर यहां पर टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर 4, इट वॉज द 18th edition, ये 18वां एडिशन था, 18वां कह सकते संस्करण था. अगला सवाल सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स की बात करें तो उसके वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? शक्तिकांत दास, विरल आचार्य, राजीव कुमार, राजीव महर्षि या अजय भूषण पांडे? अपना आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4, राजीव महर्षि. कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर्स. इस पैनल के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि यूनाइटेड नेशन का एक पैनल है, जितना भी यूनाइटेड नेशन की बात करें उसकी एजेंसीज की बात करें उसके ऑडिट का काम इस पैनल के द्वारा किया जाता है. चेयरमैन की कुर्सी की बात करें तो वो यूके के पास है, वाइस चेयरमैन की बात करें वो इंडिया के पास है, और हेड कौन है इसके, वाइस चेयरमैन कौन है, राजीव महर्षि. अगला सवाल सुनिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस आयुष
आयुषचर्य नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आयुषाचार्य एग्जैक्टली आयुषाचार्य ऑन दिनचर्या ऑन ऋतुचर्या फॉर पब्लिक हेल्थ प्रमोशन हैज बीन स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, किस शहर में आयुषचर्य पर कह सकते हैं एक सम्मेलन आयोजित हुआ है और वह किस शहर में शुरू हुआ है। आंसर की बात करें तो ऑप्शन जैसे कि चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर है एनडी एनडी एनडी, तो भैया न्यू दिल्ली इज राइट आंसर, न्यू दिल्ली में यह हुआ। लास्ट सवाल कल की न्यूज बेस्ड, शक्तिकांत दास की बात करें तो वो आरबीआई के गवर्नर बने, सर ये तो सभी को क्लियर है, बट ये बताइए कि वो किस नंबर के गवर्नर बने हैं, तो आंसर बनता अपना 25th नंबर के ये गवर्नर बने हैं। शक्तिकांत दास हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज मेरे पास 16 न्यूज है, चलिए बढ़ते हैं देखते हैं डिटेल में इन सभी न्यूज को। भारत भूषण व्यास टुक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेटरी एज मेंबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत भूषण व्यास ने संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं उसके सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सिंपल शब्दों में बात करें, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज पर नहीं जाते, ट्रिकी पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन शॉर्ट यूपीएससी। सो गाइस आंसर बनेगा भारत भूषण व्यास, ये मेंबर बने हैं। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी रिलेटेड चंद बातें हैं, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, टेक्निकली जूम रखे गए। फॉर्मेशन की बात करें 1926 इज अ फॉर्मेशन ईयर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्कर इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली इज अ हेडक्वार्टर एंड चेयरमैन अभी रिसेंटली अपॉइंटेड है अरविंद सक्सेना, अरविंद सक्सेना इज अ चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इन तीनों ही बातों को इंपॉर्टेंट मार्क करना, फॉर्मेशन ईयर 1926, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और चेयरमैन की बात करें अरविंद सक्सेना है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट मार्क करना है, 18th मीटिंग ऑफ इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 18वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। अब यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हेडलाइन में क्लियर हो रहा होगा पूरी जो यहां पर न्यूज मेंशन है, एक तो एडिशन और दूसरा वेन्यू कि इंडिया रशिया की जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग रही है मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन के रिगार्डिंग एमटीसी के रिगार्डिंग वो कहां पर हुई है, वो न्यू दिल्ली में हुई है और इसका एडिशन कौन सा रहा था 18th। दो बातें और इंपॉर्टेंट बनती हैं, जब मिलिट्री की बात हो रही तो ये तो क्लियर है कि डिफेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है वही इंडियन पार्ट को यहां पर लीड कर रही थी, तो ये मीटिंग की बात करें तो इसको को चेयर किया गया था रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बात करें जो रशिया के हैं उनका नाम है सर्गी सोगू, उनके द्वारा यहां पर कह सकते हैं कि रशिया को रिप्रेजेंट किया गया था, तो इस नाम को भी याद रखिएगा, इसे नॉलेज पर्पज से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। निर्मला सीतारमन की बात करें राज्यसभा एमपी है ये कर्नाटका से, इस बात को याद रखना है। रशिया कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रूबल है, दिमित्री मेदवेदेव प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके अलावा अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो वही वो प्रेसिडेंट है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी हाल ही में भारत की रशिया के साथ दो एक्सरसाइज चल रही हैं, उन दो एक्सरसाइज के नाम क्या हैं, उन दो एक्सरसाइज के नाम क्या, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितनों को याद है, जरा पता तो चले। इंडिया की अभी रशिया के साथ हाल ही में दो एक्सरसाइज हुई हैं और चल रही हैं, उनका नाम क्या, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए मेरे को। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉमिनेटेड ब्रिजेंद्र पाल सिंह एज प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसको, एफटीआईआई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, उसकी सोसाइटी और गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन, या यूं कह सकते हैं एफटीआईआई सोसाइटी के प्रेसिडेंट के रूप में भारत सरकार ने ब्रिजेंद्र पाल सिंह की नियुक्ति की है। भारत सरकार ने ब्रिजेंद्र पाल सिंह को एफटीआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष और एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। सिंपल शब्दों में एक लाइन में याद रखना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई सोसाइटी, या दूसरे शब्दों में चेयरमैन ऑफ एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल, आंसर बनता है ब्रिजेंद्र पाल सिंह यहां पर बनता है। ओके, एक एक्सरसाइज है एविया इंदिरा, ओके दूसरी एक्सरसाइज का नाम और बताइए यहां पर, इंदिरा नेवी, तो भाई बहुत बढ़िया, तो ऐसे याद करते चलिए, एक से दो तीन चीजों को लिंक करते चलिए तभी आप रिवाइज कर पाएंगे, अदरवाइज एक एक न्यूज को अलग करके पढ़ेंगे आसान नहीं है। बट बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंधन बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआईज परमिशन टू ओपन एज मेनी एज 40 ब्रांचेस। बंधन बैंक को 40 शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की अनुमति मिली है। अब देखिए इसमें एक विवाद चल रहा था, आरबीआई ने इसको ब्रांच एक्सपेंड करने के लिए मना कर दिया था। रीजन क्या था, अराउंड प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर मतलब एक तरीके से मालिक, सिंपल शब्दों में मालिक। इस बैंक में मालिक का शेयर था 80% प्लस 80% से ज्यादा है। जब ये बैंक को एक तरीके से कह सकते हैं कि बैंक के रूप में काम करने के लिए परमिशन मिली थी तो आरबीआई ने यह शर्त रखी थी जो यहां पर एग्रीमेंट हुआ था, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जब हुआ था, कि तुम्हें अपने इस शेयर को 40% तक लेकर आना है आने वाले 3 से 4 सालों में।
सिंपल शब्दों में ये लिखा था, बट इन्होंने 40% तक इस शेयर को अपने को डाइल्यूट नहीं किया। तो आरबीआई ने कहा कि भाई अब जब तक तुम डाइल्यूट नहीं करोगे हम तुम्हारे को एक्सपेंड करने के लिए, ब्रांच एक्सपेंड करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। बट अब फाइनली यहां पर इसको अप्रूवल मिल गई है कि आप ब्रांच एक्सपेंड कर सकते हो। सारी स्टोरी मैंने यहां पर मेंशन कर दी एक एक करके, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा देता हूं, इतनी ट्रिकी नहीं, टेक्निकली जूम रखिएगा। सेंट्रल बैंक की अप्रूवल आई है यहां पर 3 महीने बाद, जब आरबीआई ने इससे पहले भी रिसेंटली आरबीआई ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, और 3 महीने बाद आरबीआई के सेंट्रल बैंक की अप्रूवल आ गई है कि भाई अब तुम क्या कर सकते हो कि अपनी ब्रांच को ओपन कर सकते हो। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेगा, अपनी ब्रांच को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा जो यहां पर सीएस घोष हैं उनको भी अभी मैं ये भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। सीएस घोष की बात करें तो इनकी जो रिमुनरेशन है, इनको जो एक सिंपल शब्दों में सैलरी लिख लीजिए, यहां पर जो इनको मजदूरी मिल रही थी, जो इनको वेतन भत्ता मिल रहा था, उस सभी पर भी रोक लगा दी गई थी। ब्रांच एक्सपेंड करने पर रोक लगा दी गई थी, इनकी सैलरी पर रोक लगा दी गई थी। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, अभी 82.28% है, याद रखना प्रमोटर मतलब मालिक का जो यहां पर हिस्सेदारी है वो 82.28% है। जब आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया था तो कहा था कि तुम्हें अपना जी 40% है ये 3 सालों में 40% तक लाना है, इसको 80 को 40% तक लेकर आना है आने वाले 3 सालों में। मतलब 2018 अगस्त की बात हुई थी, अगस्त 2018 तक यहां पर मेंशन है, लिख लीजिए अगस्त 2018 तक तुम्हें जो अपना शेयर है वो 40% तक डायल्यूट करना है। बट इन्होंने ये ऐसा नहीं किया तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। फाइनली अब ये रेस्ट्रिक्शन हट गई है, अब ये ब्रांच एक्सपेंड कर सकता है। तो आप पढ़ लीजिएगा कि 2015 में इसको जब लाइसेंस दिया गया तो सिंपल शब्दों में कहा था, जब इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, काम करना स्टार्ट किया, कि भाई तुम्हें इतने इसको डाइल्यूट करके इतने पे लाना है आने वाले 3 सालों में, ये डेट रखी थी। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, इस वजह से इस पर पेनल्टी लगाई गई थी। फाइनली अब पेनल्टी हट गई है, पेनल्टी मतलब रेस्ट्रिक्शन हट गई है। बढ़ते जरा कुछ चंद बातें हैं, जरा देखना। बंधन बैंक की बात करते हैं, 23 दिसंबर 2014 को ये फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल है, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इसे। एंड एमडी एंड सीईओ की बात करें चंद्रशेखर घोष हैं, एंड टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी भलाई इज अ टैगलाइन ऑफ द बंधन बैंक। एग्जाम में यहां से 2 सवाल बन सकते हैं, एक हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, टैगलाइन बहुत बार पूछी जा चुकी है, आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन है, और हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल है। कोलकाता की बात करें तो हुगली नदी के किनारे बसा है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, अगली न्यूज, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश एन यूनिवर्सिटी टू कंट्रोल ऑल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी दंत चिकित्सा कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों के नियंत्रण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। वैसे इस न्यूज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करते, बट यहां पर एक लाइन और ऐड कर दी, इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर होगा। इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है, इस विश्वविद्यालय का जो नामकरण किया जाएगा वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया जाएगा। इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट बनती है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने यह सुनिश्चित किया है, ये डिसाइड किया है कि राज्य में सभी दंत चिकित्सा कॉलेजों, जो डेंटल कॉलेजेस हैं या नर्सिंग संस्थानों के नियंत्रण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का स्थापित किया जाएगा। तो अपना आंसर बनता है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर का नाम याद रखिएगा राम नायक है। उत्तर प्रदेश की बात करें, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट भी, भैया उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में है। अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के सवाल आए हुए हैं, अमनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये पीलीभीत, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी आपका किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह इनॉग्रेटेड फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर के लेह जिले में पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक शब्द है जो कि इस न्यूज को इंपॉर्टेंट बनाता है, पहले महिला पुलिस स्टेशन का जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेशन रहा, उद्घाटन रहा, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेशन हुआ है फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन का, तो वो आप याद रखिएगा लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये कीवर्ड बनेगा, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है जहां पर कह सकते हैं कि पहले महिला पुलिस स्टेशन का जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, उससे पहले अगर क्लियर हो रहा है गाइस प्लीज लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, यस सर क्लियर होता चल रहा है, समझ में आ रहा है। और प्लीज गाइस अगर आप फेसबुक से जुड़े हैं तो देखिए बॉटम में आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहां से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक को कॉपी करिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां जहां जुड़े वहां इसे फैला दीजिए, बट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस न्यूज को। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन एक और एग्रीमेंट आ गया एडीबी के साथ, अभी तमिलनाडु का समझा था, अब यहां पर असम रिलेटेड आया है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी हैव साइन 60 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू रिड्यूस फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन इन असम। भारत सरकार और एशिया विकास बैंक ने बाढ़ और भूक्षरण में कमी लाने के लिए, या सिंपल याद रखिएगा आप यहां पर रिवर बैंक इरोजन की बात हो रही है उसमें कमी लाने के लिए 60 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब इस न्यूज को अपनी लैंग्वेज में फॉर्म करते हैं, सिंपल शब्दों में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? सर, एडीबी के साथ एक एग्रीमेंट किया। कितने अमाउंट का ये एग्रीमेंट है? तो याद रखना है 60 मिलियन डॉलर का ये एग्रीमेंट है। यहां तक क्लियर हो गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एडीबी इज इक्वल टू 60 मिलियन डॉलर। अभी किस स्टेट के लिए हुआ है? सर, असम के लिए हुआ है। उसका पर्पस क्या रहेगा? यहां पर लिखा है इसका पर्पस है टू रिड्यूस दी फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन। सीधे शब्दों में लिख ले तो यहां पर फ्लड और जो रिवर बैंक इरोजन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये समझौता रहा है। आई होप सो क्लियर होगा। सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एडीबी इज इक्वल टू 60 मिलियन लोन एग्रीमेंट। पर्पस क्या है? जो असम में कह सकते हैं फ्लड को रिड्यूस करने के लिए, फ्लड और जो रिवर बैंक इरोजन है उसे रिड्यूस करने के लिए यहां पर इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। अगर क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखना यस सर क्लियर होता चल रहा है। प्लीज गाइज, इस तरीके की न्यूज को अपनी लैंग्वेज में फॉर्म करिए, इससे बेहतर रहेगा याद करना इसी तरीके से प्लस और इक्वल टू लगाकर, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से याद रहेगा। अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इतनी लैंग्वेज को पढ़ेंगे ना तो अक्सर हम भूल जाएंगे और ये टाइम भी कंज्यूमिंग है। सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एडीबी 60 मिलियन, असम एफ प्लस आर एफ इज इक्वल टू कह सकते हैं रिड्यूस। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर फ्लड की बात हो रही है और जो कह सकते हैं रिवर बैंक इरोजन की बात हो रही है उसे रिड्यूस करने के लिए इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। एडीबी मैंने अभी आपको बताई दिया, एडीबी रिलेटेड फैक्ट, मनीला फिलीपींस इसका हेडक्वार्टर है एंड इसके ताके एक उनकाओ हेड है, प्रेसिडेंट है, 67 कंट्रीज इसकी मेंबर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल डिप्टी स्पीकर हैदर अजीज साफबी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 73। पश्चिम बंगाल के उपसभापति हैदर अजीज सफवी का हाल ही में निधन हो गया, वह 73 वर्ष के थे। सवाल यहां से दो तरीके से बन सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेस्ट बंगाल डिप्टी स्पीकर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, तो आंसर बनेगा हैदर अजीज। दूसरा सवाल, हैदर अजीज साफवी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द डिप्टी स्पीकर ऑफ विच स्टेट, आंसर बनता है वेस्ट बंगाल। अगर एक और फॉर्म हो गया तो पूछ सकता है कि भैया हैदर अजीज सावी का भी हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ही वाज़ द पॉलिटिशियन। तो इन चंद बातों को याद रखिएगा किस तरीके से एग्जाम में सवाल बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईटीटीएफ अवार्ड फॉर मनिका बत्रा। मनिका बत्रा की बात करें तो बिल्कुल लाइमलाइट में बनी हुई है लास्ट वन ईयर से और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये ऑनर की बात है, बिल्कुल सम्मान की बात है कि इन्हें आईटीटीएफ ने यहाँ पर सम्मान दिया है। एग्जैक्टली क्या है न्यूज़, क्या है आईटीटीएफ रिलेटेड फैक्ट, क्या है इनके नाम कुछ और भी, चाहे गोल्ड मेडलिस्ट रही हो, चाहे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही हो, चाहे सिल्वर मेडलिस्ट, किस किस इवेंट में इन्होंने ये मेडल जीता आते हैं, जरा वन बाई वन डिस्कस करेंगे। मनिका बत्रा हैज़ बीन ऑनर्ड विद दी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड 2018। मनिका बत्रा को अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है। सिंपल शब्दों में, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड 2018। गाइस आंसर इज मनिका बत्रा। अपार्ट फ्रॉम आते हैं, जरा देखते हैं कुछ डिटेलिंग टेक्निकली। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की हम बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा फॉर्मेशन ईयर है इसका 1926। लॉजन स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है एंड प्रेसिडेंट इज द थॉमस वीकर्ट। थॉमस वीकर्ट की बात करें, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। मनिका बत्रा की बात करें तो भैया सबसे पहले हाईलाइट हुई थी जब इन्होंने 4 मेडल जीते थे, जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में कॉमनवेल्थ गेम्स रहे थे वहां पर, सिंगल का जो उनका एक ऐतिहासिक गोल्ड मेडल रहा था सिंगल्स में, फिर टीम गोल्ड भी आया, वुमेन्स डबल में सिल्वर मेडल आया था मोमा दास के साथ, मिक्स डबल की बात करें वहां पर जी सातियन के साथ मिलकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो टोटल इन्होंने 4 मेडल जीते थे। इसके अलावा 2018 जो एशियन गेम्स रहे थे वहां पर इन्होंने मिक्स डबल में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, तो बहुत इनका नाम हो चुका है, अब क्लियर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा एक और सवाल बन सकता है इतने के अलावा, यहां से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं पर इतने के अलावा कि मनिका बत्रा इज फ्रॉम विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, किस स्टेट से या किस यूनियन टेरिटरी से है, जरा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा किस स्टेट से है मनिका बत्रा या किस यूनियन टेरिटरी से है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, मणिपुर ऑनर फॉर बॉक्सर मैरीकॉम। तो यहां पर कह सकते हैं आज वुमेन एम्पावरमेंट आपको देखने को मिल रहा है बैक टू बैक, अगर मनिका बत्रा की बात करें उनकी चर्चा कर रहे हैं देन फिर हम यहां पर मैरीकॉम की चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली है क्या इस न्यूज को आते हैं जरा समझ लेते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट कन्फर्ड एमसी मैरीकॉम विद द टाइटल मीथो इलामी फॉर हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ बॉक्सिंग। जूम रखिए,
मणिपुर सरकार ने एमसी मैरीकॉम को मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मीथो इलामी शीर्षक से सम्मानित किया है। बेसिकली इस वर्ड के मतलब की बात करें तो एक्सेप्शनल लेडी का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है एक्सेप्शनल लेडी, और इस टाइटल से इनको नवाजा है। दूसरे शब्दों में कहें तो मणिपुर सरकार ने एमसी मैरीकॉम को मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एक्सेप्शनल लेडी के शीर्षक से सम्मानित किया कि वो मतलब सबसे अलग है, एक्सेप्शनल है भैया। आई होप सो गाइज क्लियर होगा। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की बात करें एन वीरेन सिंह है, इन्हीं के द्वारा यह इनको शीर्षक या ये कह सकते हैं टाइटल प्रदान किया गया था। सिंपल शब्दों में एक और सवाल बन सकता है, इस स्टेट गवर्नमेंट ने एमसी मैरीकॉम को, सिंपल शब्दों में टिक सभी कर पाएंगे बट फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है, मीथो इलामी शीर्षक से सम्मानित किया, मीथो इलामी टाइटल दिया है। मेरी बात को फिर दोबारा सुनिएगा, एमसी मैरीकॉम को मीथो इलामी टाइटल किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, तो याद रखेगा मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज हैंडेड ओवर द ट्राइकलर फ्लैग टू अरुणिमा सिन्हा बिफोर बिगिनिंग ऑफ हर एक्सपीडिशन टू माउंट विंसन अंटार्कटिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा सिन्हा को अंटार्कटिका में माउंट विंसन के अभियान को शुरू करने से पहले तिरंगा ध्वज सौंपा है। बेसिकली इनकी स्टोरी कल मैं पढ़ रहा था, तो इनका एक पैर नहीं है, और अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में इनकी जो स्टोरी बड़ी खतरनाक है कि ये ट्रेन से जा रही थी, कुछ लोग थे जिनसे इनका आर्ग्यूमेंट हो गया था, स्नैच को लेकर इनके बैग वगैरह को वो छीन रहे थे, और इनको उन्होंने क्या किया था, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया था, और जब इनको फेंका था रेलवे ट्रैक पे तो वहां से ट्रेन आ रही थी और ये उठ भी नहीं पा रही थी, और ट्रेन इनके पैर के ऊपर से चली गई और इनका एक पैर कट गया। उसके बाद भी कह सकते हैं कि इन्होंने इनके इनका कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए कि इन्होंने सोचा कि चलो क्यों नहीं हम माउंट एवरेस्ट की यहां पर चढ़ाई करते हैं, तो इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई करना स्टार्ट यहां पर किया। अब उसमें से देख लीजिए, इन्होंने जो माउंट विंसन है अंटार्कटिका, अब वहां जाने की भी बात की है। इससे पहले किन किन चोटियों पर जा चुकी, किन किन पीक पर ये जा चुकी है, उनके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, वो सारी बातें यहां पर हम आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। टेक्निकल नेम ज़ूम रखिएगा, कंटेंट हिंदी में यहां पर मिला था तो मैं आपके लिए हिंदी में ले आया। विश्व रिकॉर्डधारी जो पर्वतारोही हैं अरुणिमा सिन्हा, दुनिया की 7 प्रमुख पर्वत चोटियों में आखिरी बची माउंट विंसन को फतेह करने के लिए 13 दिसंबर को रवाना हुई हैं। मतलब ये कल ही रवाना हो गए। जरा न्यूज को समझना, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो विश्व रिकॉर्डधारी पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा है ना, विश्व की 7 प्रमुख पर्वत चोटियों में आखिरी बची, मतलब 6 चोटियों पर तो वो जा चुकी, 6 पीक पर तो वो जा चुकी है भैया, अपना तिरंगा फहरा चुकी है। दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका स्थित माउंट विंसन दुनिया के 7 महाद्वीपों की प्रमुख पर्वत चोटियों में से आखिरी शिखर है, जिस पर अरुणिमा ने अब तक विजय हासिल नहीं किया। फाइनली आई होप सो अब वो यहां पर पहुंच जाएंगी। 7 चोटियों की बात करें तो उनमें से कौन सी है उनको अभी जरा देखेंगे, बट इससे पहले अरुणिमा को सरकार ने 2015 में पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा था। हाल ही में उन्हें ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि से भी सम्मानित किया है, देख सकते हैं आप। एंड एक कृत्रिम पैर के सहारे एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला अरुणिमा अब तक एवरेस्ट के साथ साथ किलिमंजारो एंड एल्ब्रुस कोस्टन पिरामिड एंड किजास्को माउंट अंक कागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, उन पर्वत चोटियों पर भी भैया ये फतेह कर चुकी हैं। तो देख सकते हैं इनके नाम कितने भैया चीजें शुमार है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए एक एक पॉइंट बनेगा, यहां से ये वाला पॉइंट याद रखेगा, इन्हें किस ईयर में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है, कौन कौन सी कह सकते हैं पीक किस कंट्री में, ये अक्सर सवाल बन जाते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को कंटेंट क्लियर है, मजा आ रहा होगा, पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करते चलेगा, क्योंकि 2500 से प्लस बच्चे देख रहे हैं और लाइक मात्र अभी भी 513 चल रहे हैं। अमा यार बड़ी यहाँ पर दुविधा है, मुझे लगता है अभी बच्चे सोकर उठे नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, पसंद आ रहा सेशन आप लोग लाइक करते चलेगा। अब बढ़ते नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज। इस न्यूज को मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा एग्जैक्टली है क्या, जो सबमरीन होती है पानी में, अब सोचिए यार किसी देश के साथ हमारा यहां पर बिल्कुल वॉर चल रही है और अपनी ही, खुदा ना खास्ता बात करते हैं, अपनी ही सबमरीन यहां पर बिल्कुल बेकार हो जाए। अब वहां पर जो क्रू है, वहां पर जितने भी मेंबर है, उन्हें बाहर निकालना तो पड़ेगा। अब उन्हें बाहर निकालने के लिए कैसे लाया जाए, तो इसके लिए यहां पर भारत ने एक सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम यहां पर कह सकते हैं इंडक्ट किया है। मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा, सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम इंडक्ट किया है, अब ये भारत के पास है। इसका फायदा क्या होगा उसे आप देखिएगा।
टोटल इसकी जो कैपेसिटी है वो 17 लोगों की है, 17 टोटल पैसेंजर इसमें आकर बैठ सकते हैं। इसकी एक वीडियो भी अगर आप इसको गूगल करके डालेंगे, अगर यूट्यूब पे सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम, तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसका यूज किया जाएगा। 17 टोटल पैसेंजर कैपेसिटी, जिसमें कि 3 तो भैया क्रू मेंबर होंगे, बाकी 14 लोगों को बचाकर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। 1000 करोड़ इसकी कॉस्ट रही है एक सिस्टम की, किस कंपनी को मिला था ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। और ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर इसकी स्पीड वगैरह ये पढ़ लीजिएगा, ये काम की नहीं है, सिर्फ नॉलेज पर्पज से हमें याद रखना है। टोटल इसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 17 है, 3 नए क्रू मेंबर बैठ सकते हैं, 40 नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी रेस्क्यूड एट अ टाइम, 14 लोग एक बार में रेस्क्यू किए सकते हैं। और 1000 करोड़ इसकी टोटल कॉस्ट रही है एक सिस्टम की। जरा सुनिएगा कहाँ पर इसे इंडक्ट किया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंडियन नेवी ज्वाइंड अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नवाल फोर्सेज इन द वर्ल्ड व्हेन इट इंडक्टेड फर्स्ट नॉन टेथर्ड डीप सबमरीन सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। DSRV की फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, तो उसको भी याद रखिएगा DSRV का पूर्ण रूप क्या है, तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है ये। और ये मुंबई में जो नवाल डॉकयार्ड है वहां पर इसे इंडक्ट किया गया। अब इसके अलावा एक और मांगा गया है, टोटल एग्रीमेंट देखना क्या क्या यहाँ पर। DSRV की बात करें, यूज टू रेस्क्यू क्रू मेंबर्स फ्रॉम द सबमरीन स्टैंडर्ड अंडर द वॉटर एंड हाई सीज। ये छोड़िए, लाइन काम की नहीं है, ये मैंने आपको क्लियर कर दी थी। 2016 में इंडियन नेवी ने 2000 करोड़ का यूके की एक कंपनी के साथ, जेम्स फिशर के डिफेंस के साथ एक समझौता किया था, ये अपने काम की है। 2016 में इंडियन नेवी ने 2000 करोड़ का एक समझौता किया था जेम्स फिशर डिफेंस के साथ, जिसमें कि 2 सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम खरीदने की बात हुई थी, और साथ ही साथ उसका 25 साल का मेंटेनेंस भी यही कंपनी देखेगी। तो उसमें से जो एक है वो अब आ चुका है, यहाँ पर DSRV सिस्टम आ चुका है, जो कि मुंबई में लगाया जा चुका है। इसके अलावा एक और है यहाँ पर, आई थिंक लास्ट में मेंशन मैंने किया था, बट उसे देख लेते कहाँ पर है। ये सेकंड सिस्टम देखिए, सेकंड सिस्टम की बात करें, एडमायर सुनील लांबा है, उन्होंने कहा है कि जो सेकंड सिस्टम है वुड बी इंडक्टेड इन अप्रैल एंड वुड बी बेस्ड एट द ईस्टर्न नवाल कमांड इन विशाखापट्टनम। तो 2 की बात हुई थी यहां पर, 2 के लिए समझौता हुआ था, जिसमें से जो एक है वो मुंबई में जा चुका है और दूसरा विशाखापट्टनम में। यहां पर कहा है कि भाई अप्रैल में आ जाएगा। इसके अलावा बोला गया है कि अभी तक क्या होता है कि इस सिस्टम की बात करें, यार हवा में तो ये उड़ेगा नहीं, तो इसके लिए भी तो कोई ना कोई बोट हमें चाहिए होगी। तो इंडियन नेवी ने एक और समझौता किया, इंडियन नेवी हैज ऑल्सो साइंड 9000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फॉर 2 शिप्स विच वुड बी सर्व एज दी डेडिकेटेड मदर शिप फॉर सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम। अब ये सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम रहेगा कहां पर, इन शिप पर रहेगा। 2 शिप के लिए भी समझौता हुआ है और पहली शिप जो है वो 2022 तक भारत को मिल जाएगी। बट अभी तक बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, यहां इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, उसकी शिप को यहां पर लीज पे लिया गया है और उसकी शिप पर इन सिस्टम को कह सकते हैं कि लगाया जा रहा है, उसके बाद उसको यूज किया जाएगा। आई होप सो डिटेल में ये न्यूज क्लियर होगी। मैंने डिटेल में इसलिए बता दी कि पूरी न्यूज छप जाए दिमाग में, बट इतना अपने काम का कुछ नहीं है, सिर्फ इतना काम का है कहां पर हुआ है तो ये मुंबई में, और दूसरा कहां पर होगा विशाखापट्टनम में। लंबा चौड़ा हमें ये सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, RBI स्लैप 1 करोड़ फाइन ऑन इंडियन बैंक। RBI की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, उन्होंने इंडियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। RBI इंपोज अ पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन इंडियन बैंक फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्कुलर ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक्स। RBI ने बैंकों पर साइबर सुरक्षा के ढांचे पर उसके परिपत्र के उल्लंघन के लिए, या बेसिकली जो सर्कुलर है उसके उल्लंघन के लिए इंडियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सवाल यहां से 2 तरीके से बन सकता है कि किस बैंक पर पेनल्टी लगी, तो इंडियन बैंक, कितने अमाउंट की पेनल्टी लगी तो वो 1 करोड़ रुपए की यहां पर पेनल्टी लगी है। आते हैं इसके अलावा इंडियन बैंक रिलेटेड समझ लेते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। पहले तो न्यूज क्लियर होनी चाहिए, आरबीआई ने जो आरबीआई के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रिलेटेड सर्कुलर इशू होता है, सर्कुलर बेसिकली मतलब जो रूल्स इशू होते हैं उन रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से इंडियन बैंक पर, इंडियन बैंक की बात करेंगे, उस पर पेनल्टी लगाई गई। और कितने अमाउंट की पेनल्टी लगी याद रखना, 1 करोड़ रुपए की। इंडियन बैंक रिलेटेड चंद बात है, टेक्निकली जूम रखेगा। इंडियन बैंक का फाउंडेशन ईयर है 1907, हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई। इंडियन बैंक आपने पढ़ा होगा जब कभी भी तैयारी करते हैं कि इंडियन, जिस बैंक का नाम इंडियन से स्टार्ट होगा उसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, दोनों का हेडक्वार्टर आपका चेन्नई है। पद्माजा चुंद्रू की बात करेंगे, शी इज MD एंड CEO ऑफ द इंडियन बैंक। याद रखिएगा हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द इंडियन बैंक, इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है, इसे प्लीज गूगल करिएगा और वीडियो कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा कि इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, अपनी 15वीं न्यूज है आज के सेशन की। KCR स्वान इन एस दी तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। के चंद्रशेखर राव की बात करते हैं, वह दूसरी बार चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना यहां पर बने हैं। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, सिर्फ बात खत्म होती है। यहां से 2 बात इंपॉर्टेंट है, इनको शपथ दिलाई है ESL नरसिम्हन ने, जो कि गवर्नर है तेलंगाना के, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की बात करें उनका नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव। आई होप सो क्लियर होगा।
टीआरएस प्रेसिडेंट तेलंगाना जो राष्ट्रीय समिति है उसके जो प्रेसिडेंट है अध्यक्ष हैं के चंद्रशेखर राव की बात करें वो स्वॉन एज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना फॉर सेकंड टर्म बाय दी गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन। आई होप सो गाइस क्लियर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं एक और न्यूज यहां पर मेंशन हुई है कि जो कमलनाथ है वो यहां पर चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं क्या क्या बात है। दो स्टेट की बात होगी या तो मध्य प्रदेश की या तो राजस्थान की। अब राजस्थान में कौन बनेंगे मध्य प्रदेश में कौन बनेंगे इन बातों को देख लेते हैं। टेक्निकली जूम रखेगा। कांग्रेस ऑन थर्सडे अनाउंस दैट द नाइन टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम छिंदवाड़ा 72 ईयर ओल्ड कमलनाथ विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। काम की बात सिर्फ इतनी है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन होंगे तो वो होंगे कमलनाथ। तेलंगाना के तो के चंद्रशेखर राव उसमें याद नहीं रखना। मध्य प्रदेश के अब शिवराज सिंह चौहान नहीं रहेंगे। अब भैया कौन है कमलनाथ यहां पर कमलनाथ की बात करेंगे। ही विल बी अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दी मध्य प्रदेश। अभी राजस्थान वाली बात क्लियर नहीं हुई। यहां पर मेंशन किया कि फ्राइडे को अभी एक मीटिंग रहेगी। फ्राइडे की मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि राजस्थान के भी चीफ मिनिस्टर कौन होंगे। बट सिंपल शब्दों में हमें याद रखना है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन होंगे वो होंगे कमलनाथ सिंह। तो अपनी टोटल 16 न्यूज क्लियर है। इन दोनों ही न्यूज को जब पीडीएफ में आपको मिलेंगी तो मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको फॉर्म करके दे दूंगा। आई होप सो सभी लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना जो विंटर जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज के बाद ये अभी तो बहुत कुछ बाकी स्टैटिक बहुत कुछ ऐड किया तो लास्ट तक सेशन को आपको देखना है। विंटर सेल आ चुकी है 15 दिसंबर अगर स्क्रीन जूम हो पाए तो और बेहतर रहेगा। 15 दिसंबर की बात करेंगे ये विंटर सेल आई है। ह्यूज डिस्काउंट है। स्पीड टेस्ट कार्ड्स पे अक्सर सेल आपको मिलती है तो अब जो सेल है उसमें और डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। ऑफर टाइमिंग की बात करेंगे गाइस 15 दिसंबर की डेट याद रखिएगा। आज 14 दिसंबर है 15 दिसंबर को ये सेल रहेगी। सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी और 12 बजे तक चलेगी। काम की बात देखिए सबसे बड़ी जो जरूरी है वो ये है कि कभी भी आपको कोई डाउट हुआ करे ना तो यहां पर टोल फ्री नंबर है 1800-103-5225। फिर दोबारा सुन लीजिए 1800-103-5225 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण पा सकते हैं। और समस्या संबंधित होनी चाहिए इस डिस्काउंट ऑफर से। कोई और समस्या हो कि अरे सर हमें कोई छोड़कर चला गया उसकी समस्या का निवारण करें तो वो यहां पर नहीं रिजॉल्व हो पाएंगी। इसको स्पीड टेस्ट कार्ड को अगर आपको खरीदना है तो जाना पड़ेगा myshop.mahindras.org पे। वहां पर जाकर इसे आप खरीद सकते हैं। आई होप सो गाइस सभी लोगों के क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आज के सेशन का स्टेट कौन सा है देन फिर आज के स्टैटिक क्वेश्चंस कौन थे उनकी तरफ। तो आज का जो अपना स्टेट है ओके स्टेट से पहले अभी एक न्यूज और बाकी है दोस्त। एक्स एसबीआई चीफ इज स्विफ्ट इंडिया चेयरमैन। अरुंधति भट्टाचार्य की बात करते हैं उन्हें स्विफ्ट इंडिया के चेयरमैन बनाया गया है। स्विफ्ट इंडिया हैज अपॉइंटेड अरुंधति भट्टाचार्य एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड। स्विफ्ट इंडिया ने अरुंधति भट्टाचार्य को अपने बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। स्विफ्ट की फुल फॉर्म बनती है एग्जाम में अक्सर सवाल बनता है और अभी आरआरबी पीयू में एक स्टूडेंट से इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। आरआरबी पीयू के इंटरव्यू में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्विफ्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 12 बजे का सेशन रहेगा जिसमें कि उन न्यूज का डिस्कशन किया जाएगा जो 7 बजे वाले सेशन में मिस हो गई हैं। तो आज के सेशन में आपको जुड़ना है 12 बजे जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उन एमसीक्यूज का डिस्कशन होगा समझ लीजिए जो कि यहां पर नहीं हुआ सुबह 7 बजे नहीं हो पाया। तो आप कहते ना सिंगल प्लेटफॉर्म कि हाँ हमें महिंद्रा पे ही सब कुछ मिल जाए तो प्लीज गाइस 12 बजे के सेशन में जुड़िएगा जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का डिस्कशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं यहां पर आज का स्टेट अपना केरला। केरला के बारे में डिस्कस करते हैं। केरला की बात करें इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल तिरुवंतपुरम है। रट लीजिएगा पिनाराई विजयन चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर यहां पर पी सदाशिवम है। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें 14। तो सर पहले तो डीएलआर नंबर बताइए 142009। 14 इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट 20 इज इक्वल टू अपना याद रखना है लोकसभा सीट और 9 की बात करें 9 यहां पर राज्यसभा सीट है। तो डीएलआर नंबर क्या रहा अपना यहां पर डिस्ट्रिक्ट रहे 14 लोकसभा सीट रही 20 राज्यसभा सीट रही 9। ऑफिशियल लैंग्वेज इज मलयालम। बॉर्डर स्टेट कर्नाटक तमिलनाडु अभी ये मैप से देख लेंगे हम लोग। लोकसभा सीट 20 है ये क्लियर है। राज्यसभा सीट 9 है। लेजिस्लेचर की बात करें यहां पर जो विधानसभा की सीट है वो याद रखनी है 141 है 141। केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें ऋषिकेश रॉय है इनका नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। अपार्ट फ्रॉम कुछ चंद बातें हैं डांस की बात करें कथकली इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ द केरला। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आपका केरल में है। साबरीमाला श्री अय्यप्पा टेम्पल रटिएगा श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल साबरीमाला श्री अय्यप्पा टेम्पल केरल राज्य में। तीन डैम के पहले याद रख लेते इदुकी मुल्ला पेरियार और नेयर। इदुकी मुल्ला पेरियार नेयर ये डैम तीनों केरल में। इदुकी डैम पेरियार रिवर पे मुल्ला पेरियार डैम पेरियार रिवर पे नेयर डैम की बात करें नेयर रिवर पे है। अक्सर रिवर नहीं पूछी जाएंगी यहां से आपको सिर्फ याद रखना है इदुकी मुल्ला पेरियार और नेयर डैम कहां पर ये आपके तीनों ही केरल राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं कुछ और चंद बातें बट उससे पहले एक बार मैप और क्लियर कर देते हैं।
केरल की बात करें किन किन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के साथ करता है और ये कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये भी तो देखा तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ बॉर्डर ये शेयर करता है। जो पुडुचेरी है उसका एक जो डिस्ट्रिक्ट है माहे, वो भी आपका केरल राज्य में पड़ता है, इस बात को याद रखना। अनामुदी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम, मत्थिकेतन, पंपादम, पेरिया, साइलेंट वैली। सिर्फ एक लाइन में पढ़ लीजिए, अनामुदी, इराविकुलम, मैथिन, पंपादम, पेरियार और साइलेंट वैली। आप देखिए यहां पर शोला गिराया जा रहा है, सोच लीजिए जिस स्टेट में शोला गिर रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली वो नेशनल पार्क्स आपके केरल में, मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है सारे नहीं पर जितने भी हैं जहां पर अधिकतर की बात करें जहां पर शोला गिरता है, समझ लीजिए केरल में ही शोला गिरेगा। ठीक है, अनामुदी शोला, मत्थिकेतन शोला, पंपादम शोला, सारे के सारे शोले कहां गिरे, केरल राज्य में, याद रखिएगा। चिन्नार, पेपर्रा, इदुकी, वयनाद, नयार और अरालम। चिन्नार, पेपर्रा, इदुकी, वयनाद, नयार और अरालम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये भी सभी आपकी केरल राज्य में स्थित है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेम्बानाद लेक का नाम याद रखेगा, वेम्बानाद लेक केरल राज्य में स्थित है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि भाई इसका आंसर जिसने दिया मान जाएंगे कि भाई सबके सब पढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहां है, रोम, जिनेवा, वन, वियना या सिंगापुर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। आंसर की बात करें, आंसर यहां पर स्टिल अभी तक नहीं आया, अभी तक मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। चल सर, चलिए सर आप ही बता दीजिए, हमें यहां पर क्लियर नहीं है। ओके ओके, आंसर आ चुका है, सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर में हेडक्वार्टर है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन का। अब बढ़ते हैं, देखिएगा 1989 इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। अभी तक इसे हमने नहीं पढ़ा था, एक एक करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी कवर करते चल रहे हैं। सिंगापुर हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें, एलन बुलार्ड इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। एंड टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें, 21 देश इसके सदस्य हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हेड वगैरह ये लास्ट में पूछे जाएंगे, बट एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर और मेंबर कंट्रीज हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट गाइस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कॉमरोस, कॉमरोस की राजधानी क्या है, मोरोनी, लिब्रेविले, मासेरू, नियमे या साउथ ओमे। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सुबह सुबह कहां के नाम ले आए तो समझ में नहीं आ रहे थे, इसका आंसर दो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कॉमरोस, कॉमरोस की राजधानी क्या है, मान जाएंगे दोस्त अगर इसका आंसर आ गया कि हाँ सबके सब बॉर्नविटा पीते हैं, नहीं तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। जरा फटाफट बता दीजिए कॉमरोस की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कॉमरोस। सर मजाक ना करिए, आप ही बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूं। आंसर यहां पर बनेगा मोरनी, मोरनी क्या बनेगा, आंसर बनेगा, वाले सॉन्ग नहीं सुना, कितने चली है मोरनी बनके, मोरनी बनके, तो याद रखिए कितने चली, कॉमरोस चली, मोरनी कॉमरोस चली, मोरनी कहां चली भैया, कॉमरोस चली, ऐसा याद आप रख पाएंगे, बेहतर होगा ना जब भी ये वाला सॉन्ग सुने समझ लेना कहां जाना भैया, कॉमरोस जाना। अब आते जरा देखते हैं बॉक्स मेथड से, टेक्निकली जूम रखेगा। कॉमरोस की बात करें, कैपिटल इज मोरनी, करेंसी इज फ्रैंक, गैबोन की कैपिटल लिब्रेविले, करेंसी इज फ्रैंक, लेसुथो की बात करते हैं, इसकी कैपिटल है मासेरू, करेंसी यहां पर चलती है लोती और साउथ अफ्रीकन रैंड। नाइजर की बात करेंगे, नाइजर की कैपिटल है नाइमे, करेंसी फ्रैंक। एंड साउथ ओमे प्रिंसिपे की बात करें, कैपिटल है साउथ ओमे और जो मुद्रा है यहां पर डोबरा चलती है। आई होप सो गाइज ये भी आपके क्लियर होगा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर क्लियर होता चल रहा है, विद यार लाइक बटन पे भी प्रेस करते चलेगा। मैं चाहूंगा जितने भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं एक बार जरा लाइक बटन पे भी प्रेस करते चलेगा अगर सेशन क्लियर होता चल रहा है। इवन कोई डाउट भी है ना तो वो भी आप पोस्ट कर दीजिए, यस सर ये डाउट है तो मैं उसको भी देख लूंगा, कमेंट पढ़ लूंगा। ओके, और भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। जरा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कितने देश संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सदस्य हैं। 163, 164, 189, 194, 195, कितनी कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर है, जरा प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को। क्या 163 देश सदस्य हैं, क्या 164 देश सदस्य हैं, 189, 194 या एग्जैक्टली 195, कितनी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं इस ग्रुप की जिसका नाम है यूनेस्को। तो अपना आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 5, 195 कंट्रीज जो हैं यूनेस्को की मेंबर हैं। कुछ चंद बातें हैं, 4 नवंबर 1946 को, 4 नवंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, पेरिस फ्रांस एग्जाम में आया सवाल, इसका हेडक्वार्टर है, मेंबर कंट्रीज 195 हैं, इन डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अजूले, ऑद्रे अजूले इज फ्रॉम दी फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है, करेंसी यूरो है, इमैनुअल मैक्रोन इज अ प्रेसिडेंट एंड इमैनुअल मैक्रोन है, एडवर्ड फिलिप, दिमित्री मेदवेदेव वो तो रशिया के हैं, एंड एडवर्ड फिलिप की बात करेंगे ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, इन बातों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, गिर फॉरेस्ट, सिमलीपाल, चंदौली, चंदौली गुगामल, नवेगांव, तोडोबा, सबके सब महाराष्ट्र में, यही अपना आंसर बनेगा। बंधवगढ़, काना, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये आपके मध्य प्रदेश में है, तो अपना आंसर जो बनता है वो ऑप्शन नंबर 3 बनता है। इसी के साथ बाकी भी देख लेते हैं,
गिर फॉरेस्ट की बात करें, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, सिमलीपाल की बात करें, सिमलीपाल नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका सिमलीपाल नंदनकनन जूलॉजिकल नेशनल पार्क, ये आपके उड़ीसा राज्य में है। चंदौली, गुगामल, नवेगांव, तोडोबा की बात करें, महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़, काना, मादा, पन्ना, पैंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये आपके मध्य प्रदेश में है। एंड गोरुमारा की बात करते हैं, गोरुमारा बक्सा, ये आपके वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन दी हिमाचल प्रदेश, कौन सा निम्न में से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? लचीपुरा, लाओखोबा, मलान, दर्रा या चेल? तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, चेल कुगती, ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अपार्ट फ्रॉम ये लाओखोबा, लचीपुरा, मलान, दर्रा कहां पर है? आते हैं रहकर करके देख लेते हैं, टेक्निकली ज़ूम रखेगा। लचीपुरा की बात करें जम्मू कश्मीर में है, लाओखोबा असम में है, मलन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें ये राजस्थान राज्य में स्थित है, चेल की बात करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आई होप सो गाइज ये स्टैटिक क्लियर होता चल रहा होगा। प्लीज गाइज क्लियर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए विद स्माइली, आपकी स्माइल यार मेरे को मतलब खुश कर देती है, समझ रहे हो ना, सामने कुछ नहीं, कैमरे को देख के थोड़े यार, कैमरा थोड़े यहाँ पर मुस्कुरा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं ऐसा फील होना चाहिए, तो वो मुस्कुराहट कहाँ से देखेगी? प्लीज गाइस घर पे भी आपके फैमिली के मेंबर कहें हम यार किससे बात करें, मतलब पढ़ भी रहे हो कि कैसे इतनी चेहरे पर हंसी आ रही है, वो भी कंफ्यूज हो जाए, तो प्लीज ऐसे ही तरीके की मुस्कुराहट आप देते रहे विद स्माइली भी, और अपना चेहरे पर जरा मुस्कुराहट लाते भी रहिए, दोस्त मुस्कुराइए उसमें क्या जाता है। जरा बढ़ते जरा अगले सवाल की तरफ, विच डे इज ऑब्जर्व एज दी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, कौन सा दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24th मार्च, 2nd अप्रैल, 7th अप्रैल, 10th अप्रैल, 17th अप्रैल। अगर आप लखनऊ में होते तो लखनऊ में एक आता भी है कि भाई आप लखनऊ में हैं मुस्कुराइए, समझ रहे हो ना, तो आप इस टाइम लखनऊ की तरफ से पढ़ रहे हैं तो दोस्त बिल्कुल मुस्कुराइए। तो आंसर की बात करें यहां पर कि कौन सा दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अपना आंसर बनेगा 17th अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया डे या विश्व वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में मनाते हैं। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2nd अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7th अप्रैल को याद रखिएगा, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10th अप्रैल को, और वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की बात करें ये 17th अप्रैल को ऑब्जर्व होता है। रट लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है सारे के सारे डे। बढ़ते हैं आज के सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, हैदर अजीज सावी का भी हाल ही में निधन हो गया, वह किस स्टेट के डिप्टी स्पीकर थे? अपना आंसर बनता है वेस्ट बंगाल, ही वॉज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, मनिका बत्रा की बात करते हैं, उनको इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है। सवाल यहां पर यह है ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से, तो अपना आंसर बनेगा शी इज फ्रॉम दी न्यू दिल्ली, यह नई दिल्ली से है। अगला सवाल, स्विफ्ट इंडिया ने किसको अपना नया चेयरमैन बोर्ड में नियुक्त किया है? तो अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, अरुंधति भट्टाचार्य को इन्होंने अपॉइंट किया है। अगला सवाल, आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी किस बैंक पर लगाई है? साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रिगार्डिंग जो सर्कुलर इशू हुआ था उसके कॉन्ट्रावेंशन के लिए, तो अपना आंसर बनता है इंडियन बैंक पर यह पेनल्टी लगाई गई है। अगला सवाल, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एमसी मैरी कॉम को जो मीथो इलामी जो एक टाइटल है उससे सम्मानित किया है, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बॉक्सिंग में उसके लिए, तो अपना आंसर बनेगा यहां पर मणिपुर, मणिपुर राज्य ने इस सम्मान से एमसी मैरी कॉम को सम्मानित किया है। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने तिरंगा दिया है अरुणिमा सिन्हा जी के लिए, क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर को अंटार्कटिका में माउंट विंसन के लिए भैया वो अपनी चढ़ाई है उसकी शुरुआत के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। सवाल यहां पर यह है कि किस वर्ष में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किस वर्ष में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो आई थिंक 2011 में और 12 के आसपास इनके साथ एक घटना घटी थी, और 2015 में इन्हें इस पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, आरबीआई ने किस बैंक को परमिशन दी कि वो अपनी 40 ब्रांचेस ओपन कर सकता है, तो आंसर यहां पर बंधन बैंक को आरबीआई ने 40 शाखाएं खोलने के लिए अनुमति दे दी है। नेक्स्ट सवाल गाइस, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाएगा टू कंट्रोल ऑल दी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूशन इन दी स्टेट, तो अपना आंसर बनता है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, इसने अनाउंस किया है, और इस यूनिवर्सिटी का जो नाम रहेगा वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रहेगा। अगला सवाल गाइस, किस डिस्ट्रिक्ट में मतलब जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है दिलबाग सिंह, उन्होंने पहला महिला पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है, तो अपना आंसर बनता है यहां पर लेह डिस्ट्रिक्ट में इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा गाइस बाकी के जितने भी कह सकते हैं 15-16 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर आपके साथ 9-10 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस किए, बाकी 5-6 जो एमसीक्यू मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूँ, कल मॉर्निंग सेशन में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर दोबारा मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि 12 बजे का सेशन है एमसीक्यू का, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज का डिस्कशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, और गाइस समझ लीजिए जो यहाँ डिस्कस नहीं है वो वहाँ पर होगा, तो उस सेशन को भी देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ की न्यूज भी जो रह गई होंगी या कह सकते परसों की छुट्टी की वजह से मैं नहीं आ पाया था, तो उनको मैं 12 बजे के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा।
करूंगा। आई होप सो सभी लोग जुड़ेंगे। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इस नंबर पर कॉल करिए 1800-1035-225 पे और जान लीजिए इस ऑफर के बारे में कि किस स्पीड टेस्ट कार्ड पे कितना यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। स्पेशल एक वीडियो भी लेकर आएंगे जो 15 दिसंबर जो ऑफर आया है हमारा कि विंटर सेल रिलेटेड कि किस स्पीड टेस्ट कार्ड पे आप खरीदते हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, फेसबुक पर भी लाइव होते रहेंगे पैनल बेसिस पे। बट याद रखें 15 दिसंबर डिस्काउंट ऑफर आ चुका है, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और रात के 12 बजे तक चलेगा। कोई भी अगर डाउट है तो myshop.mahindras.org पे तो परचेस करने जाएंगे, बट डाउट के लिए आप जाएंगे इस टोल फ्री नंबर की तरफ 1800-1035-225। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।